अब हंसी की शादी क्यों नहीं मास्टर जी फायर एक्शन सॉरी कर ओके ओके ना हाँ देखिए स्टंट मास्टर्स यहाँ पर होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरीके से सेफ्टी मेजर्स हैंडल करने हैं, लेकिन एक एक्टर को भी एक खुद एक समझदारी से काम लेना पड़ता है कि कब आप अपने आप को पीछे हटाना है, क्योंकि आग के साथ खेलना कोई मजाक वाली बात नहीं है, कभी भी अपने ऊपर आ जाता है। पिछला भी एक आग का सीक्वेंस था, उसमें मेरा हल्का फुल्का पैर चल गया था। तो पिछली बार भी जब हम लोग आग का सीक्वेंस कर रहे थे, उस वक्त मेरा पैर थोड़ा जल गया था, तो इस वक्त भी मैंने सोचा कि थोड़ी सावधानी बरत लूँ, बिकॉज इस बार मैं कुछ अपने आप बॉडी पार्ट जलाना नहीं चाहता था, तो इस बार थैंकफुली सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, रील लाइफ में जैसे हो रहा है कि दो दो बीवियाँ हैं, दोनों बीवियों के साथ गेम चल रहा है, तो रील लाइफ और रियल लाइफ में इसका क्या ताल्लुक है? कैसे इससे रियल लाइफ में तो कभी दो दो बीवियाँ पाल ही नहीं सकते, एक कोई पालना बहुत मुश्किल होता है, और हिंदूज तो बिल्कुल भी नहीं पाल सकते दो दो बीवियाँ, और ये हिंदू कल्चर में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि गुजराती और दो दो बीवियाँ हैं, बट कहने के लिए एक भी बीवी नहीं है, क्योंकि ईशानी से डिवोर्स हो चुका है और वो उसकी याददाश्त चली गई, इसलिए उसके साथ रह रहा है, और रितिका से उसकी शादी हुई नहीं है। सो बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो ही इज़ नॉट मैरिड टू एनीवन एज ऑफ नाउ।